If you think you are bad, I'm your dad. विराट कोहली ने सौरव गांगुली को क्या लुक दिया है? पहले तो विलियम्स और अब सौरव गांगुली और अगला नंबर पता नहीं कौन है। जब जान रहे हो कि वो बंदा बदला भी बहुत भयानक तरीके से लेता है, वो भी रिवेंज खिलवा के बदला लेता है, फिर भी उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? किसी को किंग फालतू में थोड़ी बोला जाता है, कुछ मतलब होगा तभी ना। सही बात है। ये सब बात को साइड करते हैं, अब आते हैं विराट कोहली के खेल पे। तो कल विराट कोहली के बल्ले से एक और 50 आ गया। अब टॉप 5 ऑरेंज कैप के लिस्ट में भी वे आ चुके हैं। विराट कोहली का फॉर्म में आना भाई आरसीबी के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में इंडिया के लिए भी अच्छा है। बात तो सही है। चलो इस साल वर्ल्ड कप भी आ रहा है और WTC फाइनल भी है, तो विराट कोहली का फॉर्म आए तो हम लोग के लिए तो मजे ही मजे। आरसीबी के तरफ से सिर्फ 3 ही बैट्समैन ऐसे हैं जो चलेंगे तो चलेंगे और नहीं तो फिर नहीं। पहले में आ जाते हैं विराट कोहली, फिर फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल। अगर ये तीनों आउट हो गए तो मानो कि जेम्स कैंडी के ऐड की तरह सारे बैट्समैन आएंगे और गिरते चले जाएंगे। पता नहीं उन लोग खेलने आते हैं कि ऐसे बैट्समैन। और दिनेश कार्तिक भाई तो अपने अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या पारी खेला है बंदा ने। चुप कर बे कुत्ते। फर्स्ट बॉल पे आए आउट होकर चल गए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि दिनेश कार्तिक अच्छा खेल रहा है या फिर पृथ्वी शॉ अच्छा खेल रहा है, क्योंकि दोनों तो कल 0 रन ही मारे हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा कौन खेले हैं। अब हमको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बेसबॉल बैट से खेलने में, क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते तो मैं बोर हो चुका हूँ, शुरू से तो क्रिकेट ही खेलते आ रहा हूँ, तो सोच रहे हैं कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करें, क्योंकि बेसबॉल बैट से खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत मारने में मजा आता है। और अगर बात करें पूरी दिल्ली टीम का, तो दिल्ली के टीम के तरफ से सिर्फ एक ही बंदा चलता था जो कि था वार्नर, वो भी स्लो रन मारते थे, लेकिन कल तो वो भी आउट हो गए। धीरे धीरे तो अब लग रहा है कि ये दिल्ली कैपिटल पहले वाला डेयर डेविल्स बन गया। दिल्ली हमेशा नीचे रहता था पॉइंट टेबल में। क्या बात कर रहे हैं? तो इसी दिन का सेकंड मुकाबला की बात करें जो कि लखनऊ वर्सेस पंजाब के बीच में था, तो भले लखनऊ इस मैच को हार गया, लेकिन केएल राहुल ने अच्छा खासा अपने 50 पूरा करी। भले ही स्लो खेला, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेला अपने टीम के लिए। धीरे धीरे वे भी फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और उधर से शाहरुख खान ने क्या लाजवाब फील्डिंग की, बैटिंग भी किया, लास्ट में आके मैच भी जिताया। तो क्या करूं ना। और गाइस इसी मैच का शाम में मीम्स रिव्यू वीडियो आने वाला है, तो अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर शाम वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।